मैं निखिल पांडे आपके सामने हूँ सुदामा पांडे धूमिल की अगली कविता मोची राम को लेकर के। आप जानते हैं कि बहुत प्रसिद्ध कविता है, आज की वर्तमान सामाजिक सांस्कृतिक दौर में बदलते हुए परिवेश में धूमिल की ये कविता पहले से ज्यादा प्रासंगिक हो गई। आप सभी जानते हैं कि धूमिल की कविताएं राष्ट्र की सोई हुई शक्ति को जागृत करती हैं, सदियों से अन्याय और प्रतिकार करके न्याय की प्रतिष्ठा स्थापित करने में लगी हुई हैं। वे विद्रोह और असहमति का मार्ग अपनाते हैं। उनका मानना है कि क्रांति के द्वारा ही शोषक उत्पीड़न और अत्याचार और अन्याय को समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए धूमिल ने संसदीय परंपराओं का विघटन होते देखा है। संविधान निर्माताओं ने जो खंडित होते हुए स्वप्न उन्हें आहत कर रहे थे, उन्हीं बौखलाहट की अभिव्यक्ति धूमिल की कविताओं में हमें दिखाई देती है। साठोत्री कविता का आप दौर याद करें, स्वप्न भंग जब टूट जाता है, मोह भंग हो जाता है, समाज में जो सपने बुने गए थे, जो समाज की चेतना थी, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा ये सभी जो हमारे मूल्य थे, जब ये हमें आम नागरिकों को नहीं मिलते हैं, उनके सपनों की कोई स्थिति नहीं बनती है, तब धूमिल की कविता एक आदमी के तौर पे उसकी जबान को एक बयान बन जाती है, एक दस्तावेज बन जाती है। इस दस्तावेज को प्रस्तुत करने का काम धूमिल की जो कविता करती है उसका नाम मोचीराम है। आप जानते हैं कि मोचीराम जो कविता है इसकी सबसे बड़ी व्यापकता यही है कि इसमें कविता में कवि की सहानुभूति शोषित पीड़ित दलितों के प्रति है। वस्तुतः समाज में मनुष्य की पहचान उसके पद प्रतिष्ठा और पेशे से होती है। ऐसी सामाजिक संरचना में मनुष्य की मौलिकता नष्ट हो जाती है। ऐसे समाज में मनुष्य पर टाके पड़ते रहते हैं, जूते आडंबर का प्रतीक बन जाते हैं, जो मनुष्य को ऊपर से पहनावे में मदद कर। मोचीराम में आत्म पीड़ा का अभिव्यक्त है। यह पीड़ा उसकी अपनी सामाजिक दशा से उपजी है। मनुष्य होने के पीछे जो सामान्य मानवीय मनोभाव है उसे छोड़कर हम मानव नहीं होते। वस्तुतः भाषा शब्द और अनुभव हर मनुष्य के समान होते हैं। उसमें सीखने की प्रक्रिया हर मनुष्य में अलग अलग होती है। कवि चुप और चीख के बीच की मजबूरियों को समझता है और उसे कलमबद्ध करता है। आइए इन्हीं सब विषय परिस्थितियों को मोचीराम जो जूता सिलते हैं, इस जूते जिसे हम कहते हैं कि ये भाई ये काम करते हैं, चर्म का काम करते हैं, आइए आज उनकी कविता के सामने मनुष्य की व्यापक विसंगतियों की चर्चा हम मोचीराम नामक कविता से करते हैं। कविता की शुरुआत होती यहां से, मोची राम रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पातियों पर हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। ये इस कविता की सबसे मार्मिक अभिव्यक्ति है। इसको एक बार दोबारा सुनते हैं। जैसे वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो हो, जैसा है, जहां कहीं का भी है, आजकल कोई आदमी जूते के नाप से बाहर नहीं। आजकल कोई आदमी जूते के नाप के बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूतों से झाकती हुई अंगुलियों की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहन करता है।
यहां तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी अलग अलग नयामत करता है। अपने बदलते हुए परिवेश में सबकी अपनी अपनी शक्ल होती है, अपनी अपनी शैली होती है। मसलन एक जूता, वो जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस उम्मीद को, उस पर उम्मीद को तह देती हुई हंसी जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसा है और खड़खड़ा रही है, बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूं मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूं भीतर से एक आवाज आती है, कैसा आदमी है, अपनी जाति पर थूकता है। आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें टाकता हूं और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से बाहर निकालता। एक जूता और है जिसके पैरों को नाद कर एक आदमी निकलता है, सैर करता है। वह न अकलमंद है न वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में उसकी घड़ी है। उसे कहीं जाना नहीं है मगर चेहरे पर बहुत हड़बड़ी है। वह कोई भी बनिया है या बिसाती है मगर रोग ऐसा दिखाता है जैसे हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, उसे टोको, उसे पीटो, इसे घिसो, इसे चमकाओ, ऐसे करो, जूते को ऐनक बना दो। उफ, बड़ी गर्मी है, रुमाल से हवा चलाता है, रुमाल से हवा चलाता है, करता है मौसम के नाम पर बिसुरता है, करता है मौसम के नाम पर बिसुरता है। सड़क पर आती जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह है कि घंटी भर खटवाता है मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहू कर सड़क से उछलता हुआ और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दब सी जाती है जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलत फहमी है मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच में कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूतों से झांकती हुई अंगुलियों की चोट को छाती पर सहता है हथौड़े की तरह। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर रंडियों की तरह दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं। और यही तो जगह है जहां पर आदमी अपने पेशे को छोड़कर भीड़ में का टमटमाता हुआ हिस्सा बन जाता है सभी लोगों की तरह। भाषा उसे भी काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही ले लो, यह दिन को तांत की तरह तांता है। पेड़ पर लाल लाल पत्तों को हजारों सुखलते लटकाता है। सच कहता हूं, उस समय रापी की मूठ को हाथों में संभाल कर मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है, मन किसी झुझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की सराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ों से वार कर रहा है। और यह चौंकाने की बात नहीं, सोचने की बात है, मगर जो जिंदगी को किताबों से नापता है, असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी
कागज को मौके पर कायर कहता है, तो बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं सायर है। वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं सायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो वह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है। जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं शब्द जिन्हें मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों से आगे अंधे हो गए हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हो गए हैं। मैं हर अन्याय को चुपचाप सहता हूं और पेट की आग से डरता हूं, जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख, जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह पर एक किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं, अपनी अपनी जगह से एक किस्म के अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। बहुत धन्यवाद। यह मोची नाम की कविता है।